हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर ऑन फिजिक्स चैनल वन एकेडमी फिजिक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सोल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.12 से। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, रेन फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। वॉट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। देखिए इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, क्योंकि ये रेनफॉल हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डिरेक्शन में, तो ये क्या होगा, वी आर होगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रेन। अब सपोज यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है और यहाँ पे साउथ डायरेक्शन है, ओके, और बाइसिकल मूव हो रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में बाइसिकल मूव हो रही है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल ऑफ बाइसिकल, ओके, बाइसिकल की वाले। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इन व्हाट डायरेक्शन शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। बच्चों याद रखिए, आप खुद सोचे कि सपोज रेनफॉल वर्टिकली हो रहा है और आप इसे अम्ब्रेला लेके जाओगे तो क्या होगा, आप नहीं भीगोगे ना, बट आप स्पीड से जा रहे हो, बाइसिकल की स्पीड से जा रहे हो, तो क्या होगा, आपको अपनी अम्ब्रेला अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन रखना पड़ेगा, मतलब कि आप नॉर्थ से साउथ जा रहे हो, ओके, तो आपको जो रेन है वो कहां पे फील होगा, साउथ टू नॉर्थ की ओर फील होगा, मतलब कि आपको यहाँ जो फील होगा ना वेलोसिटी, वो होगा साउथ टू नॉर्थ, ये आपका वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल इन अपोजिट डायरेक्शन हो गया। और आपको इस रेंज से बचना है, आपको इस रेंज से बचना है तो क्या करोगे, आप इस डायरेक्शन के अंदर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अम्ब्रेला को होल्ड करोगे, इस तरह होल्ड करोगे जैसे, तो लाइक दिस है ना, ये आपने अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड कर दिया, आपको ये डायरेक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को रेन का वेक्टर ड्रॉ करना है, ये वेक्टर ऑफ रेन है वी आर। अब फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड का टेल प्लेस करना है, ये टेल प्लेस कर दिया, वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये हमें मिलेगा रिजल्टेंट, ये क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन। हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बच्चों यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी आर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट में वी आर स्क्वेयर, ओके, प्लस वी बी स्क्वेयर, ओके। यहाँ पे हमने क्या कर दिया बच्चों, वेक्टर का स्क्वेयर कर दिया, क्या कर दिया हमने, वेक्टर का स्क्वेयर कर दिया, ओके, तो स्पीड का स्क्वेयर हो जाएगा। अंडर रूट में क्या करेंगे, वीआर की वैल्यू, वीआर की वैल्यू हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन है 30 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड जो होगा वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल, तो यहाँ पे 30 का स्क्वेयर प्लस 10 का स्क्वेयर, चलो 30 का स्क्वेयर क्या होगा 900, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, ओके, तो अंडर रूट में क्या आएगा 1000, चलो 1000 का रूट निकाल दीजिए, भाई 1000 का रूट निकाल दीजिए तो क्या आएगा 10√10 मीटर पर सेकंड, ये तो हो गया स्पीड, ये तो क्या हो गया, स्पीड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ओके, यानी मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी हो गया। तो आपको निकालना है डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, थीटा चाहिए, तो 4 डायरेक्शन बच्चों, 4 डायरेक्शन विथ वर्टिकली, थीटा आएगा 10 इनवर्स, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट का वैल्यू, और वो क्या होगा बच्चों, वी बी बाई वी आर, क्या होगा, वी बी अपॉन वी आर होगा 10 इनवर्स, बच्चों वी बी क्या है, वी बी आपके पास है यहाँ पे 10 और यहाँ पे 30, तो 10 इनवर्स ऑफ 0.333 आएगा। अब क्या करना है आपको, 10 टेबल में देखना है, तो 10 टेबल में आपको मिलेगा 18 degree 26 minute, ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.13, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ मैन कैन स्विम विथ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टील वाटर, हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर फ्लो स्टेडिली एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही मेक्स स्टॉप नॉर्मल टू द रिवर करंट, हाउ फार डाउन द
रिवर डज ही गो वेन ही रिचिज द अदर बैंक। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इंफॉर्मेशन को मेंशन कर लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमें, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर या तो रिवर, सम वी आर बोलेंगे 3 किलोमीटर पर आवर। फिर हमें गिवन है स्पीड ऑफ स्विमर, मतलब कि स्पीड ऑफ मेन गिवन है वो कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। और हमें विड्थ गिवन है, विड्थ ऑफ रिवर जो है हमारे पास 1 किलोमीटर, ये हमें गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर और फिर निकालना है डिस्टेंस कवर्ड विद द फ्लो ऑफ वाटर। ओके, सपोज ये हमारे पास रिवर है, ये रिवर का विड्थ हो गया डी, ये ओ पॉइंट है जहां से मेन स्विम स्टार्ट करेगा, वो स्विम करते करते यहाँ पे ऑपोजिट पॉइंट ए पे पहुंचेगा। ओके, बट जो फ्लो ऑफ रिवर है ना, फ्लो ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में, वो उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देगा। तो हमें डिस्टेंस कवर जो करा है ए टू बी वो फाइंड करना है, क्लियर। ओके बच्चों, जब पार्ट जब स्विमर ओ टू ए जाने का ट्राई करेगा तब उसका टाइम कितना लगेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ओके, कौन क्रॉस कर रहा है रिवर को, मेन क्रॉस कर रहा है बच्चों। तो टाइम के लिए क्या करोगे आप, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन, आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ मेन लिखोगे यहाँ पे। ओके, डिस्टेंस कितना है 1 और स्पीड ऑफ मेन क्या है बच्चों 4, तो हम लिखेंगे 4 आवर, 1/4 आवर, या आप लिख सकते हो 60/4, इट मीन 15 मिनट। बच्चों 15 मिनट में ये मेन इसको क्रॉस कर लेगा, बट वो एग्जैक्टली वो पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, वो कहाँ पहुंचने वाला है, बी के पास पहुंचने वाला है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। ओके, तो ड्यू टू फ्लो ऑफ रिवर ये जो वी आर स्पीड है उसकी वजह से उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमें डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों डिस्टेंस कवर्ड विद फ्लो ऑफ वाटर, डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस होता है बच्चों टाइम इंटू स्पीड, स्पीड किसका लगेगा यहाँ पे, रिवर का लगेगा। तो यहाँ पे वी आर लिख दीजिए, टाइम है आपका 1/4। ओके, वी आर कितना है हमारे पास 3 है, यस, देन 3/4 आपको पता है क्या होता है, 0.75 बच्चों, 0.75 किलोमीटर। तो 0.75 किलोमीटर इट मीन्स आप इसको मल्टीप्लाई कर दे 1000 से, तो 750 मीटर ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, या तो डिस्टेंस कवर्ड विद द फ्लो ऑफ वाटर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.14 को। इन अ हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ अ बोट एंकर्ड इन द हार्बर फ्लटर्स अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम गिवन इंफॉर्मेशन को पहले मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास है स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड इसे हम बोलेंगे VW, 72 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास है स्पीड ऑफ बोट कितना है VB, 51 किलोमीटर पर आवर। अब हम गिवन इंफॉर्मेशन को डायग्राम में शो करेंगे। तो बच्चों ये सोच लो कि हमारे पास ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट है और ये साउथ है। इनिशियली जो बोट का फ्लैग था वो कहाँ पे फ्लटर हो रहा था, नॉर्थ ईस्ट में बच्चों। तो इनिशियली यहाँ पे अगर ये फ्लैग फ्लटर हो रहा था मतलब कि विंड का डायरेक्शन ये होगा, ये होगा इनिशियल विंड का डायरेक्शन। हमारी बोट सपोज यहाँ पे खड़ी है, अब बोट क्या करेगी, सडनली स्टार्ट होके नॉर्थ में जा रही। अगर बोट आपकी नॉर्थ में जा रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में बोट कहाँ पे, अगर बोट नॉर्थ में जा रही है ना तो ये जो डायरेक्शन ऑफ विंड है जो फ्लेग को फील हो रहा है वो कहाँ पे जाएगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब कि अब ये जो हमारा फ्लेग नॉर्थ ईस्ट में फ्लटर कर रहा था वो ईस्ट साउथ में जाएगा, मतलब कि कुछ हमें इस तरह से मिलेगा। ये बच्चों हो गया रिजल्टेंट। ओके, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वी आर। हमें ये एंगल निकालना है, क्या निकालना है, हमें ये एंगल निकालना है, सम क्वेश्चन मार्क बोल देते हैं। अब बच्चों एंगल निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम एक इमेजनरी पैरेललोग्राम देख लेंगे, इमेजनरी पैरेललोग्राम देखते हैं क्या बनता है, कुछ इस तरह से बनेगा।
ओके देखिए, हो गया इमेजिनरी पेरेलोग्राम क्लियर है। अब ये जो एंगल है ना इतना, ये तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये 45 डिग्री रहेगा, ये भी क्या रहेगा 45 डिग्री, क्लियर। तो बच्चों ये जो दो वेक्टर है हमारे जो पेरेलोग्राम बना रहे हैं ना, ये वेक्टर नाम है ओ ए वेक्टर, और इसको बोल दो ओ बी वेक्टर। तो ओ ए और ओ बी वेक्टर का जो एंगल है वो क्या बनेगा 135 डिग्री, जो हमारा थीटा होगा। तो थीटा हमारा हो जाएगा क्या बनेगा, थीटा 135 डिग्री। हमें निकालना है अल्फा, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है ये एंगल जो होगा अल्फा, क्लियर। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 2 था, ओके। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हमने बनाया है। तो क्या है फॉर्मूला वो देखते हैं, फॉर्मूला रहेगा टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होगा, वी बी साइन थीटा अपॉन बी डब्ल्यू प्लस वी बी कॉस थीटा, क्लियर है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे टेन अल्फा, वी बी का वैल्यू क्या है 51, 51 साइन 135 डिग्री, यहाँ पे होगा 72 बी डब्ल्यू का वैल्यू, और प्लस वी बी 51 कॉस 135 डिग्री। तो बच्चों टेन अल्फा 51, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या आपको समझ में आया बताना। 90 प्लस 45 डिग्री, यस 90 प्लस 45 135 होता है, इट इज क्लियर। 72 प्लस 51 ओके कॉस 90 प्लस 45 डिग्री, यहाँ पे टेन अल्फा। बच्चों थोड़ा मैथ्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ पे कॉस 45 डिग्री लिख देंगे, नीचे क्या आएगा 72 प्लस 51, तो यहाँ पे कॉस 95, 90 प्लस 45 डिग्री तो होगा माइनस साइन 45 डिग्री। ओके सर ऐसा कैसे होता है, तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देख लो, ध्यान दे दो, साइन ऑफ 90 प्लस और माइनस थीटा होता है उसका रिजल्ट होता है कॉस थीटा, ये मैथमेटिक्स में हमने स्टडी किया है। ओके अगर कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा होता है बच्चों, अगर कॉस 90 प्लस थीटा होता है तो होगा माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है तो होता है खाली साइन थीटा। ये साइन और कॉस के कन्वर्जन हमारे फिजिक्स में काम लगने वाले हैं, तो आप इसको याद कर लेना। ओके मैथ्स वाले बच्चों को तो ये पता ही होगा, पर बी ग्रुप के प्यारे बच्चों ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये टेन अल्फा हो गया 51/√2, बिकॉज कॉस 45 क्या होता है 1/√2, टेंथ में आप पढ़ चुके हो ना। चलो 72 माइनस 51/√2, बिकॉज साइन 45 डिग्री इज ऑल्सो 1/√2, क्लियर। चलिए इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दिया जाए, यस सर कर दिया जाए, तो क्या होगा ऊपर में तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, ये तो 51/√2 रहेगा, यहाँ पे √2 × 72 − 51/√2, ये √2 √2 कट गया। तो क्या बचा, तो बचा कुछ ऐसा टेन अल्फा 51/72 × √2, बच्चों 72 × √2 − 51, 72 × √2 − 51, बच्चों इसका सिंप्लीफिकेशन निकाल, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो बराबर। तो हम यहाँ पे करेंगे तो 51 नीचे जो 72 × √2 है, ओके 72 × √2 − 51 निकालना है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास टोटल 50.8 आएगा, क्या आएगा 50.8। अब 51/50.8 करेंगे तो ये आएगा 1.0039, अल्फा हमारा मिलेगा 10 इनवर्स ऑफ 1.0039। चलिए 1.0039 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 10 टेबल में आपको बताया कि 10 45 डिग्री 1 होता है, उसके क्लोज ही वैल्यू होगी, तो 10 टेबल में आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा कुछ 45.11 डिग्री के क्लोज। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो आपको निकालना क्या है कि भाई कितना एंगल चेंज हुआ है, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द ईस्ट डायरेक्शन। ओके आपको अगर निकालना है कि एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट कितना बड़ा है, तो आप बोल सकते हो कि ईस्ट में एंगल 45.11 डिग्री माइनस 45 कर लोगे, 0.11 डिग्री एंगल चेंज हुआ है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.15। द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विथ अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द बॉल। मतलब एक बॉल को आप थ्रो कर रहे हो यहां से किस तरह से, बॉल को ऐसे थ्रो कर रहे हो और वो किसी वॉल को टच के बिना उसको क्रॉस कर रहा है, तो आपको हाइट गिवन है। बच्चों आपको ये रेंज आर फाइंड करनी है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से। चलिए रेंज आपको गिवन है, सॉरी रेंज फाइंड करना है आपको। आपको क्या गिवन है, हाइट गिवन है जो है 25 मीटर। स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी जो आप बोलोगे 40 मीटर पर सेकंड है। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन को रिवाइज कर लेते हैं। हाइट का इक्वेशन हमारे पास क्या है, वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g है। रेंज का इक्वेशन क्या है हमारे पास, वी नॉट स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी है, जहां पे साइन 2 थीटा क्या होता है, वो होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब कि आपको साइन भी चाहिए कॉस भी चाहिए, कहां से निकालोगे ये, हाइट से निकालोगे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हाइट से। हाइट का इक्वेशन है एच वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। अब एच की वैल्यू 25, वी नॉट की वैल्यू 40 का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2 × 9.8। जी का वैल्यू हमने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर ले लिया, अगर 10 गिवन होता है तो लिख लेने का, अभी ऐसे लिख दो। अब साइन स्क्वेयर थीटा क्या होगा, 25 × 2 × 9.8 / 40 का स्क्वेयर। चलिए कैलकुलेटर निकालिए, साइन स्क्वेयर थीटा 25 × 2 × 9.8 / 40 / 40 तो क्या आएगा आंसर, 0.3062, 0.3062। ये बच्चों हो गया साइन स्क्वेयर थीटा। इसका साइन थीटा निकालो तो रूट करना पड़ेगा, इसका रूट क्या आएगा, 0.5534, 0.5534। बच्चों ये हो गया साइन थीटा। आपको कॉस भी चाहिए तो देखते हैं कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है अंडर रूट में 1 - sin² थीटा, इसको हटा देंगे जरूरत नहीं है। क्या होगा अंडर रूट में, 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा, साइन स्क्वेयर ये रहा 0.3062। अब क्या करना है भाई, 1 में से 0.3062 माइनस कर लेंगे, और उसका रूट ले लेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो है 0.6938, यहाँ पे कुछ 0.6938 आएगा, और उसका रूट ले लेंगे ना तो एक ही स्विच में रूट 0.8329, 0.8329 आ गया। चलिए नाउ अब हमें क्या करना है, रेंज फाइंड करना है बच्चों। वी नॉट स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, वी नॉट स्क्वेयर 2 × sin थीटा × cos थीटा अपॉन जी, तो रीजन लिख देने का कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा × cos थीटा ये हो गए। चलिए वी नॉट 40 का स्क्वेयर × 2 sin थीटा की वैल्यू, साइन थीटा ये रहा 0.5534, 0.5534, कॉस थीटा की वैल्यू ये रहा 0.8329, 0.8329 अपॉन 9.8, निकालिए आंसर तो क्या आएगा, 150.50 मीटर, ये होगा आपका रेंज। बच्चों तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का इफेक्टिव यूज करना पड़ेगा, प्लीज नोट डाउन। अब देखते हैं 4.16 नंबर का क्वेश्चन। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखा है, मतलब कि आपको आर मैक्स गिवन है जो क्या है, 100 मीटर। हाउ मच हाई अबोव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, तो बच्चों आपको एच मैक्सिमम फाइंड करना है। ये आर मैक्स और एच मैक्स भी हमने थियोरी में स्टडी कर लिया था, बट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों रेंज का इक्वेशन क्या है, वी नॉट स्क्वेयर साइन 2 थीटा / g, और आप थीटा 45 डिग्री लेते हो तो आपका साइन 2 थीटा क्या बनेगा, साइन 90 बनेगा, और 90 का वैल्यू होता है 1, मतलब इस साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगा, उस तरह उसी टाइम पे आपको जो रेंज मिलेगा ना वो होगा मैक्सिमम।
वी नॉट स्क्वेयर बाई जी। तो बच्चों ये आपको आर मैक्स क्या गिवन है, वी नॉट स्क्वेयर बाई जी गिवन, समझ लो। क्लियर? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे आर मैक्स इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर बाई जी हमें गिवन है 100 मीटर। अब बच्चों हमें निकालना है एच मैक्स, तो उसके लिए हमें बता होता है एच का इक्वेशन क्या है, हाइट का वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। ओके, एच का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है, जब साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है तब। भाई साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, कब होता है, जब थीटा आप 90 लेते हो ना, तब आपका एच बनेगा एच मैक्सिमम जो होता है वी नॉट स्क्वेयर बाई 2g। क्लियर है? तो यहां से देखिए एच मैक्सिमम क्या होगा, वी नॉट स्क्वेयर बाई 2g, ये आपका नंबर 1 था। अब नंबर 1 से देखिए तो ये आपका क्या हो गया, आर मैक्स हो गया, ये आर मैक्स बाई 2 हो गया। आर मैक्स का वैल्यू आपके पास क्या है, 100 है बाई 2, आपका आंसर आएगा बच्चों 50 मीटर। क्लियर? अगर आपको ये दोनों इक्वेशंस पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.17। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज रीड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड। इफ द स्टोन मेक्स 40 रिवोल्यूशन इन 25 सेकंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसका लेंथ है 80 सेंटीमीटर, इट मीन 0.8 मीटर, और यहाँ पे उसके एंड पे हमने क्या कर दिया, एक स्टोन को टाइट कर दिया है। ये स्टोन क्या करेगा, एक सर्कल में सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, यानी सर्कुलर मोशन करेगा, और इस सर्कुलर मोशन के लिए हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। क्लियर? चलिए इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं बच्चों, रेडियस गिवन है 80 सेंटीमीटर, इट मीन्स 0.8 मीटर, हमने 100 से डिवाइड कर दिया। अब एक सेंटेंस गिवन है, क्या गिवन है, 40 रिवोल्यूशन इन 25 सेकंड, सो टाइम फॉर 14 रिवोल्यूशन इज 25 सेकंड। बच्चों हमें निकालना है टाइम फॉर 1 रिवोल्यूशन, वो क्या होता है क्वेश्चन मार्क, जिसे हम टी बोल देंगे। तो टी क्या होगा, 1 × 25, 25/14, ये हो गया हमारा टाइम। इज इट क्लियर टू यू? ओके, हमें निकालना है क्या, यहाँ पे देखते हैं हमें निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी स्क्वेयर बाय रेडियस आर है। ओके बच्चों, अब वी क्या होता है, तो वी होता है वी वी होता है 2 π r/t, नीचे आर रहेगा, ये हमें पता है। वी क्या होता है, स्पीड जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। जब ये स्टोन 1 रिवोल्यूशन करेगा तो 2 π r डिस्टेंस कवर करेगा, और ये रिवोल्यूशन का टाइम क्या होगा, टी, तो 1 रिवोल्यूशन का स्पीड होगा 2 π r/t। क्लियर? स्क्वेयर कर देंगे। ओके, 4 π² r² / t² × r, r r कट हो गया, तो बचा क्या, 4 π² r/t² करेंगे वैल्यू, 4 π का वैल्यू 3.14 का स्क्वेयर, r का वैल्यू 0.8 अपॉन t स्क्वेयर। बच्चों टी स्क्वेयर क्या होगा, तो 25 का स्क्वेयर अपॉन 14 का स्क्वेयर, जो ऊपर लिखेंगे 14 का स्क्वेयर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो क्या आएगा, 9.894, 9.894 मीटर पर सेकंड, ये हो गया आपका आंसर। अब इसकी डायरेक्शन कहां पे होती है, तो डायरेक्शन ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर। जो सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर ही रहता है। अब बच्चों देखते हैं 4.18 नंबर का क्वेश्चन, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर विद अ स्टेडी स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर, कंपेयर इट्स सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सिचुएशन क्या है, कि सपोज कोई रनवे के ऊपर, यहाँ पे कोई रनवे है और ये जो एरोप्लेन है उसको लैंडिंग की परमिशन नहीं मिल रही होगी, तो एरोप्लेन ऐसे क्या करता होगा, एरोप्लेन ऐसे रोटेशन करता होगा। एरोप्लेन का जो स्पीड गिवन है आपको, गिवन है 900 किलोमीटर पर आवर, उसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, तो 900 × 1000/3600 मीटर पर सेकंड,
ओके सिंपलीफाई मत करो, लास्ट में कर लेंगे। चलिए और क्या गिवन है आपको, रेडियस गिवन है, वो है 1 किलोमीटर जो हो जाएगा 1000 मीटर। क्लियर? स्पीड गिवन है, रेडियस गिवन है, तो सिंपली आप इजीली निकाल सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ओके सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, बच्चों वी स्क्वायर बाय आर। ओके तो वी स्क्वायर क्या होगा, 900 × 1000 ओके अपॉन 3600 का स्क्वायर इंटू 1/r यानी 1000 कर लो। ओके बच्चों इसका आप सिंप्लीफिकेशन करना, कैसे करना है आपको पता है, 900 × 1000 अपॉन 3600 जो भी वैल्यू आए उसका आपको स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय 1000 करना है। और आप अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करते तो ये आपका आता है 250 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आप 250 का स्क्वायर करते अपॉन 1000 करते तो भी आपका आंसर आ सकता है, बट सिंप्लीफिकेशन अब तो यू आप कर सकते हो अपने हिसाब से। क्या आएगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, आपका वैल्यू आने वाला है 62.5 मीटर पर सेकंड। अब इसका आपको कंपैरिजन करना है, किसके साथ कंपैरिजन करना है, विद द ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, फिजिक्स में कंपैरिजन के लिए हम रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पे AC अपॉन G, AC क्या है हमारा 62.5 और G क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कट होने वाला है AC क्या हो, 62.5 डिवाइड बाय 9.8, 6.377 हो जाएगा इनटू जी। मतलब कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है प्लेन का, वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, इट इज 6.377 टाइम टू द ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके